ग्रीड बुरी चीज़ होती है, पर मुझे ग्रीड लग चुकी है सोहम शाह की, एज तुम्बाड कम्प्लीट्स 5 years, सो आई वेलकम हिम ऑन जूम चैनल. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी. मुझे ग्रीड का बोलना ज़रूरी था बिकॉज वो पूरी लालच पे बेस्ड है और मुझे शायद से आपकी लालच लग चुकी है, क्योंकि जब भी तुम बाट को एनी ईयर कम्प्लीट हुआ है ओवर द ईयर्स, आई हैव बीन देयर फॉर यू. एंड आई थिंक मुझे वो फिल्म भी काफ़ी पसंद आई थी, स्पेशली आई वॉच्ड विथ माय मदर, एंड वो जो उसका जो एक मैसेज था वो काफ़ी अच्छा था. सो टेल मी हाउ द मेमरीज आर फॉर यू. ये फिल्म के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है एज़ कम्पेयर टू मैनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स. मुझे लगता है कि मतलब तुम बाट एक फिल्म है मेरी फिल्मोग्राफी में, जो एक फिल्म एक तरफ, बाकी सारी फिल्मोग्राफी एक तरफ. और जहाँ तक मेहनत की बात है तो हमने बहुत मेहनत की. मतलब वी हैव स्टार्टेड इन 2012 और फिल्म रिलीज़ हुई 2018 में, और एक टाइम मतलब अभी आज रिलीज़ हुए 5 साल हो गए हैं. और एक टाइम मुझे लगता था कि कभी पूरी मेरे लाइफ में ये फिल्म रिलीज़ होगी क्या. मतलब जब इतना, क्योंकि टैक्सिंग हो जाता ना कि यू आर मेकिंग अ फिल्म और आपका करियर टिका हुआ है, आप कुछ और काम नहीं ले रहे हो, आप बहुत ही डेडिकेटेड हो इस फिल्म के लिए. तो उन्हें पहले भी कई बार कहा है, जैसे कि 2015 की बात है और शूट हो रहा था हमारा, बहुत रीशूट होकर फाइनली शेड्यूल था. और वो शेड्यूल रोज़ाना 2 दिन आगे हो जाता, कि उसको ख़त्म होना था 20-22 अप्रैल को, वो पुश हो रहा था. और 13 मई को शेड्यूल ख़त्म हुआ और सुबह का टाइम था, 4 बजे हुए थे और हस्तर का सीन था, आटा वाटा उड़ रहा था, थोड़ा सा धुंध सी थी. और आया कि पैकअप, रैप अप, ख़त्म हो गई है फिल्म. मेरी आंखों में से आंसू आ गए, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि वॉर पे थे हम, वो ख़त्म हो गई है. तो या तुम बाट में बहुत मेहनत गई, और पर उससे ज़्यादा ये कि हमेशा आपको लगता है जब आप कोई चीज़ बनाते हो कि क्या लोगों तक पहुँचेगी. और जब हमने तुम बाट बनाई थी तब टाइम बहुत अलग होता था, तब ऐसी फिल्में बनती नहीं थी. मतलब कि VFX इतना चलता नहीं था या प्रोस्थेटिक इतना चलता नहीं था. तो बड़ी अलग फिल्म थी, पर लोगों का प्यार मिला तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी है. तो मेरी फिल्मोग्राफी में तुम बाट एक जगह, बाकी सब फिल्में एक तरफ हैं. वाह, ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. पर तुम बाट की बात करें तो आपके लिए कौन सा कैरेक्टर काफ़ी करीब था? तुम बाट की बात करें तो जो विनायक का कैरेक्टर है, करीब तो इन द सेंस क्या होता है, बेटे का कैरेक्टर या बाप का कैरेक्टर? मुझे लगता है बेटे का कैरेक्टर तो बहुत शाना कैरेक्टर था, उतना नहीं हूँ मैं. मेरे लिए विनायक का कैरेक्टर करीब था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ विनायक की साइकोलॉजी. बट फिर भी थोड़ा दूर था मुझसे, कि जैसे शिप ऑफ थीसिस का जो कैरेक्टर था मेरा, वो बहुत ही क्लोज कैरेक्टर था मेरे. सिमरन का जो कैरेक्टर था वो बहुत नज़दीक था. तलवार, तुम बाट, इनके कैरेक्टर मुझसे थोड़े दूर थे. पर मुझे लगता है कि हर एक्टर में, हर इंसान में बहुत सारे रंग होते हैं, कि आपको टैप करना होता है कि अच्छा ये भी है. एक लालच का भी रंग होता है, एक इसका भी रंग होता है. तो या यू फिगर इट आउट. बट मुझसे दूर था कैरेक्टर, पर बेटे से तो क्लोज ही था. बेटे का कैरेक्टर तो बहुत दूर था मुझसे. पर अगर बात करें सोहम शाह की, सोहम शाह आप खुद कभी ऐसे लालच में आ जाते हो? कभी ऐसा होता है कि चलो ठीक है ये नहीं तो ये, ऐसे लालच में आप कभी फंस जाते हो? ऐसे मतलब एक वो आ जाता है, बेसिकली एक फेज आ जाता है जहाँ पे यू फील लाइक नहीं अच्छा ये करूँगा तो मुझे इसका ये होगा, इसका ये होगा, यू नो, कैलकुलेटिव कभी कभार हो जाते हैं. मुझे लगता है कि हर आदमी लालची होता है. ये कहना, अपने आप को मॉडेस्ट दिखाना होता है कि हम एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहाँ सोशल मीडिया है, इतना पीयर प्रेशर है कि आपको पता ही नहीं है कि हु यू आर. तो हर आदमी ग्रीडी होता है कि मैंने एक फिल्म बनाई है ग्रीड के बारे में, पर मैं भी ग्रीडी हूँ. मुझे भी रोल्स का बहुत लालच होता है, काम करने का बहुत लालच होता है, अच्छी स्क्रिप्ट्स का बहुत लालच होता है. तो सेंट तो हमारे में से कोई नहीं है जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं. तो वो होता है डिग्री कितनी है या आप कितने अवेयर हो कि इट्स नॉट गुड. पर अभी हाल फिलहाल मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स का बहुत लालच है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाट 2 जल्दी से बने, तुम बाट 3 जल्दी से बने और बहुत सारी फिल्में जल्दी से बने. बट तुम बाट 2, तुम बाट 3 में स्टोरी लाइन क्या होगी? बिकॉज देर इज़ दिस कंटिन्यूएशन विच मे गेट कैरिड, और वुड यू कम अप विद समथिंग एल्स ऑल टुगेदर? वुड यू वॉन्ट टू कैरी दैट इन द सीरीज ऑफ इट? नहीं नहीं, डेफिनेटली उसी स्टोरी को आगे बढ़ाएगी. और तुम बाट 2 जो है मुझे लगता है कि सीक्वल होगा और तुम बाट 3 प्रीक्वल होगा. तो इट्स अ ट्रिलॉजी. और ये ऐसा नहीं है कि तुम बाट को इतना प्यार मिला तो वी आर मेकिंग तुम बाट 2. ये हमेशा से आइडिया होता था. और मुझे लगता है कि इतना टाइम और इतनी मेहनत भी इसलिए की गई कि हमें पता था कि ये एक लंबा प्रोजेक्ट है. तो तुम बाट 2 है वो सीक्वल होगा और तुम बाट 3 प्रीक्वल होगा, और कहानी पूरी एक सर्कल हो जाएगी, एक रिंग जैसे हो जाएगी.
ऐसा होने वाला है। वाह, पर वही मैं बोल रही हूँ, आप वेट काफ़ी करवाते हो तुम्बाड़ के लिए, क्यों ऐसे आप करते हो? जैसे कि आपने खुद ने देखा है कि तुम्बाड़ एक टफ फिल्म थी, कि हमें बहुत टाइम लगा बनाने में करने में। वैसे तुम्बाड़ टू के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आए हमें, बहुत सारी, पर क्या होता है कि आइडिया बहुत अच्छा होता है पर उसको आप स्क्रीन प्ले बनाने जाते हो तो बैठता नहीं है, तो वो हमारे लिए टफ रहा। हमारे लिए भी बहुत इच्छा थी कि हम तुम्बाड़ टू बनाएं, पर अभी फाइनली हमने एक आइडिया क्रैक किया है तुम्बाड़ टू और थ्री के लिए एक साथ, तो उसमें टाइम राइटिंग में लग जाता है। और तुम्बाड़ बहुत डिफरेंट फिल्म है कि उसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो और जो भी तुम्बाड़ टू बने या थ्री बने वो उसके सेम, उसका DNA सेम होना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा नहीं है कि उसको एकदम कमर्शियल बना दो, कि आप पीरियड में कोई राजा रानी की कहानी ले आओ या स्केल ले आओ, वो पॉसिबल नहीं है। तुम्बाड़ का DNA कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है तुम्बाड़ फैंस के लिए, तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत टाइम लगा हमें। इस बार आप कौन सा ट्रेट बताओगे तुम्बाड़ टू में? बेसिकली वुड यू, बिकॉज देर आर डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमंस, यू नो तुम्बाड़ समवेयर फोकस्ड मोर ऑन द ग्रीडी साइड ऑफ ह्यूमन बींग, वुड यू फोकस ऑन सम अदर ट्रेट्स? सेम वुड बी से इनसिक्योरिटी इन ह्यूमन बींग्स और से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स, वॉट वुड यू फोकस ऑन? ये बात मैं अगर आपको बता दूंगा तो हमारे दर्शकों के लिए क्या रह जाएगा? तो नहीं, पर मुझे लगता है कि ग्रीड तो एक तुम्बाड़ में थ्रेड होगा, ये जो चलता रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें होंगी कि इनसिक्योरिटी या थोड़ा सा आगे की फिल्म होगी तो और क्या होगा उसमें, कि उस समय की क्या बात होगी। उस हर टाइम का एक मुझे लगता है कि एजेंडा होता है आदमी का, कि एक टाइम पर कुछ और एजेंडा थे, आज कुछ और एजेंडाज हैं, कि आज कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, 50 साल पहले कुछ और प्रॉब्लम थी, तो वो डेफिनेटली होगा। पर ग्रीड का थ्रेड रहेगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला आपको। कितना कोशिश किया मैंने कुछ बात ये निकाल दे, धीरे धीरे निकाल दे, चलो अभी बोल देंगे कुछ मुझे। बट कमिंग टू दिस, देर इज़ दिस वन वीडियो ऑफ योर्स विच इज़ गोइंग वायरल ऑन द सोशल मीडिया, और आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर आपका और कंगना का चैट ड्यूरिंग सिमरन, जहाँ पर आप डिस्क्राइब कर रहे हो कैसे आपको लड़की चाहिए, एंड देन शी सेइंग कि इट्स अ टैलेंट, यू नो टू लड़की पटाना तो टैलेंट होता है। आपने वो वीडियो देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई वॉज जस्ट लाफिंग एट इट, एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग वायरल। Talking about working with someone like her, she's also, you know, who prefers to be perfectionist in a lot of things. Tell me about your experience. मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके और मैंने उस समय कुछ शुरू सा ही किया था, तुम्बाड़ आई नहीं थी, और मुझे लगता है कि उनका बहुत कंट्रोल है अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने माइंड पर कंट्रोल जिसे कहते हैं, तो एक अजीब सी उनमें सेल्फ अवेयरनेस दिखती है जब वो चलती हैं तो भी दिखती है, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि सीखने के लिए है। कि ऐसी सेम सी बात इरफान साहब ने भी कही थी, जब इरफान साहब चले गए थे तो उनके बच्चों ने ट्वीट किया था या कुछ लिखा था कि बाबा से हमने क्या सीखा, तो एक बच्चे ने लिखा था कि वी हैव लर्न फ्रॉम आवर फादर, कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करे, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो। तो वो बात मुझे कंगना में लगती है कि जब मैंने उनके साथ काम किया था, कि एक्टिंग में या वो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप अपने इश्यूज़ को, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो, यू आर अ गुड एक्टर, क्योंकि बिकॉज यू फील एवरीथिंग, कि हर, और एक्टिंग इज़ अबाउट रिएक्शन। तो मुझे उनका वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। दैट्स नाइस टू हियर। व्हेन इट कम्स टू योर ट्रस्ट इन एक्टिंग, आपको क्या, यानी आपका ट्रस्ट फैक्टर कितना है? समटाइम्स बिकॉज एक्टिंग कैन ऑल्सो लीड, व्हेन आई से अबाउट ट्रस्ट, इट्स मोर ऑफ एक्टिंग लीडिंग टू changing of character of a human being, you know. Sometimes people dwell so much in that character that unko wo saalon saal lag jaate hai, par wo wahi character mein rehte hai. So when it comes to something like that, do you also feel ke wo dwell kaafi ho jaate hai? Has that happened to you ever? ये होता है, पर उसकी हर आदमी के साथ मुझे लगता है एक डिग्री होती है। बट डेफिनेटली जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो तो आपकी लाइफ में से कुछ ऐड होता है, कुछ लेस होता है, क्योंकि कुछ होता है उस कैरेक्टर का आपके साथ रह जाता है। इसीलिए आई थिंक ये इतना इंटरेस्टिंग काम है कि हम जो भी इस फील्ड में हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो या राइटर हो, जब भी वो कुछ नया काम करता है तो वो कुछ खोजता है अपने आप के बारे में। एक्टर्स भी अपने बारे में खोजते हैं, अच्छा ये रंग भी है मेरे अंदर या ये भी है, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। पर कुछ बहुत इंटेंस एक्टर होते हैं कि जो मेथड एक्टिंग करते हैं या उसके लिए बहुत वैसी ट्राई करते हैं, तो उनके साथ मुझे लगता है ज़्यादा रहता है, मेरे साथ उतना नहीं रहता, मैं मूव ऑन हो जाता हूँ, मैं डिटैच हो जाता हूँ। पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ उस कैरेक्टर का आपके अंदर रह जाता है मुझे लगता है। Also talking about this, because आपका mindset काफ़ी business perspective वाला है, and you have been a businessman, I have to ask you this, apart from acting, what interests you and would you prefer taking direction under your control?
नहीं यार, मुझे लगता है कि डायरेक्शन बहुत मेहनत का काम है और इस फील्ड में मुझे लगता है कि एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रिविलेज जॉब है. कि आप 15-20 दिन प्रिपरेशन करो, 20-30 दिन जाके शूट करो. हर आदमी को बहुत आपको पैम्पर रखता है. और डायरेक्शन के लिए तो आपको बहुत ज्ञानी होना पड़ता है कि बहुत किताबें पढ़ी हो आपने, बहुत फिल्में देखी हो, बहुत ज्ञान हो आपको. तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन इज़ नॉट माय कप ऑफ टी. तो पर मुझे दुनिया में एक्टिंग के अलावा और कोई काम अच्छा नहीं लगता. मुझे सिर्फ एक्टिंग 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 यही पसंद है. इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी यू नो वी कीप ऑन सेइंग के अरे यू नो फॉर एग्जांपल लाइक मुझे एक लालच होता है, आई विल शेयर विद यू कि अच्छा ठीक है मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग सीख ली, मैंने वॉइस ओवर कर लिया, मैंने यू नो जर्नलिज्म कर लिया, बट समटाइम्स आई फील लाइक आई वांट टू गेट इन टू डायरेक्शन. So sometimes I want to know that you know acting as a term, you feel that wo khud hi itna creative hai that you know there are so much to explore in depth that you don't need to like you know choose an alternative for you know for something for your own thing. Right, I got it. नहीं मुझे definitely लगता है कि acting इतना बड़ा subject है ना कि मुझे कभी भी ये चाह नहीं होती कि मैं painting सीख लूँ. मुझे लगता है ये काम तो मैं ठीक से कर लूँ. तो अभी इसमें इतना काम है, इतनी लेयर्स हैं, इतना समझना बाकी है. तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि डेफिनेटली ये किसी के लिए हेल्प कर सकता है क्योंकि चीज़ें बहुत कनेक्टेड होती है कि आप पेंटिंग सीखते हो तो भी आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ और सीखते हो तो आप राइटिंग सीख रहे हो तो भी आप कुछ सीख रहे हो. पर मुझे लगता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मुझे सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करना चाहिए. तो इसको मैं ठीक से कर लूँ यही तरीका है मेरे लिए. बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरे लिए, पूरी लाइफ में पढ़ लूँ तो भी मैं वहाँ नहीं पहुँचने वाला मुझे लगता है. पर आप इतने नेचुरल एक्टिंग करते हो कि कभी कभार ऐसा लगता है कि सोहम शाह नहीं है ऑन स्क्रीन. मैंने जब आपको दहाड़ में देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं वो इंस्पेक्टर की लाइफ ही चल रही है. आपकी एक्टिंग इतनी नेचुरली होती है, डू यू प्रिफर प्रेपिंग अप यू नो फॉर योर रोल्स इन अ वेरी सीक्रेटिव मैनर लाइक वेयर पीपल आर नॉट अराउंड यू, और हाउ डू यू प्रिफर यू टेकिंग अ प्रोफेशन? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. आई गेस कि जब मैंने शुरू किया था तो जिन लोगों से मैंने सीखा था कि एक तो नवाज़ ने मुझे ट्रेन किया था. तो नवाज़ ने मुझसे पहला सीन ये करवाया था कि अच्छा तुम तुम्हारे भाई से कैसे बात करोगे. तो मैंने ऐसे फ़ोन उठाया और बात करने लगा. उसने कहा बस यही एक्टिंग है. तो जो मेरी क्या कि मैं कहीं से सीख कर नहीं आया हूँ. NSD या FTIA या थिएटर मैंने किया नहीं है. तो मेरा कुछ ऐसा था नहीं एक्टिंग को लेकर. तो जो मेरे को पहले लोगों ने शुरू में सिखाया वो ये सिखाया कि नेचुरल होना ही एक्टिंग है, रियलिस्टिक होना ही एक्टिंग है. तो मुझे लगता है कि मैं वो फॉलो करता हूँ. तो मैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेप करना या बहुत ज़्यादा सीन को रिहर्स करना मेरे लिए बहुत टफ होता है. मेरे लिए होता है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, एक थोड़ी सी साइकोलॉजी समझते हो आप और आप समझते हो कि आपके अंदर और इस कैरेक्टर के अंदर आप ब्रिज कैसे बनाओ और बस जाके प्ले कर दो. मुझे लगता है बस इतना ही एक्टिंग होता है. खासकर मुझे लगता है कि शायद आप सुनने की आदत डालो. मेरी मैं भी सीख रहा हूँ उसको कि सामने वाला जो कह रहा है, जो आपको कोई एक्टर कह रहा है, तो आप उसको सुनने की आदत डालोगे तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. पर आपको ऐसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं यू नो एंड दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट यू नो समटाइम्स वी आर जस्ट लिसनिंग टू द पर्सन जस्ट टू गिव एन आंसर टू देम बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन एंड दैट हैपन्स अ लॉट स्पेशली आफ्टर एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम सोशल मीडिया बट आई फील वी आर एक्चुअली रीडिंग सो मच ऑन सोशल मीडिया. समटाइम्स वी फील लाइक यू नो हमको सब कुछ पता है बट देर आर समटाइम्स देर आर सो मेनी लूपर्स दैट वी डोंट नो what exactly things would be. We feel like हाँ overconfidence आ जाता है. Do you also feel the same way that you know कहीं ना कहीं digital media की वजह से हमें ऐसा लगने लगा है कि हमें सब कुछ पता है? नहीं नहीं मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मतलब हूँ पर मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता. पर ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल करेक्ट बात है. जो मैंने आपको कहा ना सुनने का मतलब ये नहीं था, सुन तो आप रही हो कि आप गौर करके सुनना समझना कि उस बात का मतलब क्या है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और क्योंकि उसमें बहुत कुछ आप सीख सकते हो. मुझे लगता है कि शायद मेरी ट्रेनिंग ये रही है कि लाइफ से आप जो सीख सकते हो वो किसी भी किताब से नहीं सीख सकते. तो आप व्हेन यू आर टॉकिंग तो आपको जो सीखने का मौका है अगर आप गौर करोगे वो बहुत ज़्यादा है. इंस्टेड ऑफ जो आपको पता है वो तो आपको पता ही है, किसी सामने वाले की भी सुन लो भाई, कुछ दो बातें हो सकता है ज़्यादा पता चल जाए. तो मुझे लगता है वो बहुत, हालांकि बहुत टफ काम होता है क्योंकि हम सबको ना आज की दुनिया में अपने हेड में रहने की बहुत आदत है. गोल्स ओरिएंटेड है, मुझे ये करना है, ये बॉक्स टिक करना है. तो लाइफ कोई नहीं जी रहा है, ये सब एक अपने हेड में रह के दौड़ रहे हैं मुझे लगता है काफ़ी हद तक. तो शायद मुझे लगता है उसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है, आपको सुनना चाहिए. And you're the fourth person on my interview since these 2 weeks who's talking about people staying in their heads, you know, while trying to leading a life. And
प्रेजेंट यानी फ्यूचर को बनाने के चक्कर में प्रेजेंट को नहीं फोकस कर पा रहे एंड यू नो दे आर सो लॉस्ट इन पास्ट. डू यू ऑल्सो फील दैट? डेफिनेटली. एंड मैं तो बिजनेस मैन रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि बिजनेस और आर्ट इनका उतना ही दूर का मतलब इनका एकदम ऑपोजिट उत्तर दक्षिण है ये. तो आई यूज़ टू बी बिजनेस मैन और बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे चलता है. सिर्फ ओवर थिंकिंग पे चलता है कि आई कैन डू दिस आई कैन डू दैट ये तो बहुत हेड में रहने का प्रोसेस होता है. तो मेरे लिए सबसे टफ था कि उसको तोड़ना. और आर्ट इज़ अबाउट लिविंग इन द मोमेंट, फीलिंग लाइफ कि हवा कैसी चल रही है, मौसम कैसा है, धूप कैसी है. और बिजनेसमैन को कोई फ़र्क नहीं होता कि कैसी धूप है, उसको पता है काम क्या है, नंबर्स क्या हैं. तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था. मतलब मेरी टोटल जर्नी ये रही है कि ये समझना कि वो अलग तरह की लाइफ है, ये अलग तरह की लाइफ है. और डेफिनेटली जिसको लाइफ में इंटरेस्ट है मुझे लगता है कि उसको अपने हेड से बाहर निकलना चाहिए. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं निकला नहीं हूँ. मेरी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो है कि मैं अपने हेड में रहता हूँ. बट आई थिंक लाइफ जीने के लिए हेड से बाहर आना ज़रूरी है. और ख़ासकर सोशल मीडिया के टाइम में आप बहुत ज़्यादा हेड में रहने लगे हो. मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी कि चलो फाइनली आई फाउंड अ फ्रेंड इन यू. बिकॉज मेरी आदत है नेचर को देखते रहना या यू नो पिक्चर्स क्लिक करना, बटरफ्लाई को देख लिया तो पिक्चर्स क्लिक. मुझे कितनी बार ऐसे बोलते हैं कि आप पागल लड़की है, यू नो व्हाट इज शी डूइंग बेसिकली. बट दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक, यू नो इट्स मोर गुड टू कनेक्ट विद द नेचर ऑफ इट. एंड रिसेंटली आई हैड दिस वन कॉन्वर्जेशन विच आई वॉन्ट टू नो योर टेक ऑन दैट. डू यू ऑल्सो फील वी हैव बिकम सो टेक्नोलॉजिकली एडवांस दैट वी आर फॉरगेटिंग द नेचुरल रूट्स विच कनेक्ट्स ह्यूमन यू नो टू नेचर फॉर दैट मैटर? डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो टेक्नोलॉजी एडवांस होने से आप अपने हेड में ही रहने लगे हो कि ये कैसे वो कैसे. आप कंप्यूटर पे हो, आप वॉक नहीं करते हो, आप इधर उधर नहीं देखते हो. मतलब अभी आप बच्चों के साथ हो, वो फ़ोन पे हैं, उनको देखना नहीं है कि आप लंदन आए हो, ये लंदन शहर कैसा है. ये मतलब वो चीज़ों की वैल्यू कम होती है. तो कनेक्शन कम होता जा रहा है नेचर से. और जितना मुझे लगता है वो कम होता जा रहा है उतना ही आपकी पीस डिस्टर्ब हो रही है कि आपकी रूट्स हिल रही हैं. बिकॉज इट्स अबाउट एंग्जाइटी कि 24 घंटे आप फ़ोन की स्क्रीन पे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला. यू आर नॉट ग्रोइंग, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. सोशल मीडिया से ज़्यादा आप जिंदगी में समझ सकते हैं मुझे लगता है. Correct. कि सोशल मीडिया में तो हर आदमी ज्ञान दे रहा है. मतलब बहुत सारा ज्ञान है. आप टाइप करो कि आपको किस टाइप का ज्ञान चाहिए, बॉडी बनानी है, डाइट. हर आदमी डाइटिशियन है. मतलब हर आदमी डाइटिशियन है. मतलब इंटरनेट पे पढ़कर लोग डाइटिशियन बन गए हैं. Yes. तो आई थिंक या वो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा फोकस करना चाहिए एज ए ह्यूमन बींग. Do you also feel because of this, you know, इतना ज्ञानी माहौल चलता है, sometimes there's this scarcity of, say, certain job roles. There is this scarcity which is taking place because ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो ये भी कर सकता है, ये तो ऐसे भी हो गया. And उस competition के चक्कर में the scarcity has come to this level के art is getting like, you know, in a way, it's not disappearing completely, but it's getting like, how do I say this? You know, it's been taken for granted somewhere. Because ये भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है. इंडिविजुअलिटी जो क्वालिटी होती है, यू नो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिकनेस, दैट इज गेटिंग फेडेड इन अ वे. डू यू फील सर? या आई थिंक इट इज, बट इट्स अप टू यू. अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ स्टिक करोगे तो वो शाइन करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इरफान साहब जब 90s में एक्टिंग करते थे तो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया था. एक एक्टर के साथ वो फिल्म कर रहे थे, उस समय वो बहुत नामचीन एक्टर थे. वो भी थिएटर बैकग्राउंड NSD से थे. और इरफान साहब उतने बड़े एक्टर नहीं थे. इरफान साहब ने मुझे एक किस्सा सुनाया था. तो इरफान साहब को प्रोड्यूसर ने कास्ट पूछा तो उस एक्टर ने कहा, हाँ यार इरफान बहुत अच्छा एक्टर है, ले लो. इरफान को ले लिया उन्होंने. अब इरफान साहब अपने हिसाब से एक्टिंग कर रहे हैं जो भी उनका स्टाइल था. तो वो प्रोड्यूसर गया उस एक्टर के पास और उसने कहा कि यार ये इरफान तो बहुत तंग कर रहा है यार, बहुत बड़े बड़े पॉजेज लेता है यार, ये बहुत फुटेज लेता है. तो उसने कहा, नहीं यार ऐसा तो नहीं, इरफान अच्छा एक्टर है. पर इरफान साहब अपने स्टाइल पर खड़े रहे. जो एक्टिंग इरफान साहब ने 90s में जो भी अपना स्टाइल था, और जबकि 90s बहुत अलग तरह की एक्टिंग होती थी, बाद में वो धीरे धीरे कंटेम्प्रेरी हुई, पर वो अपने पर्सनैलिटी पर अपने स्टाइल पर अडिग रहे. तो मुझे लगता है उनका इतना नाम हुआ. तो अकॉर्डिंग टू मी, what's your personality? I think we don't pay attention to this question ki who you are. Matlab who you are means it's not ki I'm Soham Shah, I'm from Bombay or I'm from Ganganagar. Ki what you want, who you are, what do you like. Hame lagta hai ki hame
पता ही नहीं है. हम इतना इंडल्ज हैं सब दुनिया में, हमें पता नहीं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हम हैं कौन, हमें मीठा अच्छा लगता है या हमें खट्टा अच्छा लगता है, मतलब जो दिखा रहे हैं सब अच्छा लगता है हमारे, हम उसको गेज ही नहीं कर रहे कि जेन्युइनली मेरे गट को क्या अच्छा लग रहा है. तो आई थिंक अगर आप उसको ढूंढो और आप अपनी पर्सनैलिटी पे स्टिक करो कि ये हूँ मैं, तो आई थिंक इट कैन हेल्प. टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, हु आर द एक्टर्स यू लुक फॉरवर्ड टू एंड whose work you have looked upon for over the years, jisko dekhkar aap inspired when you know you preferred coming and acting? And I know two names, which is Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan. I would like to know one name. Definitely Shah Rukh Khan se inspired tha main. Aur mujhe lagta hai ki Shah Rukh Khan ki personality itni badi hai ki actor bhi chhota part hai uske liye, matlab jo unki पर्सनैलिटी, उनकी जो वॉर्म्थ और उनका जो चार्म है, आदमी को लगता था कि यार जब मैं देखता था उनको कि अगर आदमी में 5% शाहरुख खान नहीं है तो उसको जीने का हक नहीं है. तो डेफिनेटली शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन. बट जो इंडिया से मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स लगते हैं वो हैं इरफान साहब और ओमपुरी साहब. मतलब मुझे कमाल के एक्टर लगते हैं. इरफान साहब को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या मक्खन कितना काम करते हैं. या ओमपुरी साहब, मतलब ओमपुरी साहब को आप किसी भी फिल्म में देखो, आप हेरा फेरी में देखोगे तो भी आपको अच्छे लगेंगे, जाने भी दियारों में, मतलब कैसी भी फिल्म का टेक्सचर हो, अगर वो फिल्म सीरियस है, मतलब उनकी प्रेजेंस देखो आप और उनका काम देखो, उनकी रेंज देखो, कमाल लगते हैं मुझे. दैट्स नाइस टू यू. और मुझे ये तो पूछना ज़रूरी है कि आज के डेट में, लाइक इफ़ यू हैव टू सी द करंट जनरेशन एंड द वे दे आर वर्किंग, से actors like Varun Dhawan, Janhvi Kapoor, if you had to choose someone from them, Alia Bhatt for that matter, you know, whose work do you prefer? Like, I think Alia Bhatt is doing very well. She's a very good actress. Aur matlab wo mujhe lagta hai unki ek personality bhi, jitna matlab main kabhi mila nahi hu, par mujhe bahut hi shant unki personality lagti hai. In the sense ek hota na ki you value life, you value others, mujhe wo ek respect dikhti hai towards others. Usme mujhe aisa nahi lagta ki main star hu to मैं ही सब कुछ हूँ. वो एक मुझे उनका एक कि दूसरों की वैल्यू करना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, ये मैंने हमेशा उनके इंटरव्यूज़ में और में देखा है. तो मुझे लगता है उसका एक पे बैक होता है. और शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस. और डेफिनेटली रणबीर कपूर मुझे लगता है कि अद्भुत एक्टर है. आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एनिमल? डेफिनेटली. मुझे जो वो उसका पहला टीज़र आया था मुझे बहुत पसंद आया था. वैसे मुझे कुछ लगा नहीं है. वो डंग विच खंग खड़ के हो गई लड़ाई, पारी अर्जुन रेड्डी ने जोर के गंडास, क्या कमाल एनर्जी हो. एनिमल तो मैं मतलब पहला दिन पहला शो देखने वाला हूँ. वाह, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो. कमिंग बैक टू being an actor, it also comes with a lot of responsibilities. Like recently there was this news about Shah Rukh Khan getting a Vice security because he's getting death threats after Pathaan and Jawan being a successful movie on the box office. Do you also feel that sometimes with the fame what you receive there is this baggage? बहुत सारा baggage होता है. मतलब fame, आप पहली बात तो आप बॉम्बे जैसे शहर में आते हो तो बहुत बड़ी struggle है. अगर आप बाहर से आए हो तो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आप अंदर से खाली हो जाते हो. इंसान ही चेंज हो जाते हो, बहुत पथरीले इंसान हो जाते हो. मतलब इमोशंस, इनोसेंस, बहुत कुछ खींच लेता है. तो वो कॉस्ट एक है. और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें कि जब आपको फेम मिलता है कि डेथ थ्रेट्स आना, या आप बहुत बड़े हो जाते हो तो एक इन्वायरमेंट का प्रेशर, तो यू हैव टू डील विद इट. एंड बट आई थिंक वो हर बिजनेस में, आप किसी भी चीज़ में बड़े हो तो लोग आपके पीछे होंगे, आपको परेशान करने वाले होंगे. फॉर मी मोर देन दैट आई थिंक वो फिर भी मैनेजेबल है. पर आप जब यहाँ शहर में आते हो तो बहुत कुछ खो देते हो. आप कम्प्लीटली चेंज हो जाते हो. बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल है यहाँ. लाइफ कहीं पीछे रह जाती है. बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है कहीं पहुँचने के लिए, मुझे लगता है. और कहीं भी पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, ये भी एक डायलॉग था. आपको ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ी थी जब आप भी यहाँ पर आए थे? व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ योर करियर, यू मस्ट बी हैविंग योर ओन हार्डशिप्स, टेल मी समथिंग ऑन दैट. मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था. मेरा स्ट्रगल ये नहीं था कि टेबल पे खाना नहीं है. मेरा स्ट्रगल ये नहीं था. ज़्यादातर लोगों का ये स्ट्रगल होता है. मेरा स्ट्रगल था कि मुझे लगता था कि मैं यहाँ फिट इन नहीं होता हूँ. कि बॉम्बे एक अलग सा शहर है इंडिया में. मतलब दिल्ली तक भी आप इंडिया एक जैसा मान सकते हो. बॉम्बे कुछ अलग ही, इसका डीएनए कुछ अलग ही है. यहाँ की भाषा इंग्लिश है, लोग बहुत इवॉल्व हैं. तो जब मैं आया था तो मुझे बहुत, मतलब मेरे हाथ पैर कांपते थे. मैं एक
सीसीडी में जाके कॉफ़ी ऑर्डर नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूँ कि आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, अभी भी है। तो मुझे लगता था कि यार ये मैं फिट इन नहीं होता, मुझे वो बहुत प्रेशर रहा। और मेरे आसपास दोस्त नहीं होते थे क्योंकि मैं मतलब सीधा ऊपर से टपक के आ गया, क्योंकि ना तो मैंने कोई NSD किया, FT। आप ऐसा कुछ करो तो आपके कुछ दोस्त होते हैं, तो वो सब चीज़ों की मुझे बहुत एक स्ट्रगल रही है। और एक बहुत लंबे टाइम तक मैं सोचता रहा कि मैं शायद छोड़ दूँ क्या, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ब्रेड बटर नहीं था, मेरा ब्रेड बटर कुछ और था। बट वो शायद अंदर से बहुत एक डीप चाह थी कि ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। शायद मेरे लिए क्वेश्चन ये था कि ये नहीं करूँगा तो मैं और क्या करूँगा, और मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। तो फिर मैंने कहा स्टिक रहते हैं, इसी पे करते रहते हैं। पर एक 10 साल का जो टाइम है बहुत ख़राब गुजरा मेरा भी, जहाँ आप एंग्जाइटी में रहते हो, आप बहुत ही एम्प्टी फील करते हो। आप कैसे कोप अप करते हो व्हेन इट कम्स टू एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड यू नो डीलिंग विद द डेली डिलेमास ऑफ यू नो वर्क फॉर दैट मैटर? एंड इट्स ओनली नॉट ओनली वर्क, इट्स ऑल्सो समटाइम्स एंग्जाइटी इज़ वन थिंग विच कैन हैपन एट एनी मोमेंट एंड यू वोंट इवन रियलाइज इट। मुझे लगता है कि कोपअप तो आदमी का एक ही रहा होता है कि चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और कोई रहा नहीं है। तो चलते रहो, चलते रहो, कुछ ना कुछ चेंज होता है लाइफ में, कि तुम बाढ़ आई, तुम बाढ़ से मुझे और क्लैरिटी आई, तुम बाढ़ से बहुत सारा प्यार मिला, वैलिडेशन मिला, तो आपको लगता है कि नहीं अभी आपको ये रुकना चाहिए। तो आई थिंक चलना ही एक रास्ता है। इसका ऐसा कुछ मैथमेटिक्स नहीं है कि यू कैन डू मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स 20 मिनट्स, पर ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी एकदम गायब हो जाएगी। मुझे मतलब मैंने तो ट्राई किया, ऐसा नहीं है। यू कैन डू सेवरल थिंग्स बट इट टेक्स इट्स ओन टाइम, इट्स अ जर्नी। अकॉर्डिंग टू मी सब लिखा होता है, तो आपका एक टाइम होता है जो आपको फेस करना पड़ता है, और समय अपने हिसाब से चेंज होता है। मुझे लगता है यू हैव टू वॉक। बट डू यू ऑल्सो फील दैट इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वर्क कल्चर वी हैव बीन इन, इट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूमन बींग अन इमोशनल, एंड इवन इफ दे आर फीलिंग समथिंग दे आर नंब टूवर्ड्स इट। डू यू फील दैट? या डेफिनेटली, बिकॉज देर इज सो मच प्रेशर, इट्स नॉट ईजी जॉब कि आप, मैं श्रीगंगानगर से आया हूँ, राजस्थान की एक छोटी सी जगह है, मतलब बहुत सारे प्रेशर हैं कि मेकअप कैसे होता है, ये कैसे होता है, बोलते क्या है, बात क्या है। मतलब आप दिल से अच्छे आदमी हो सकते हो, पर पॉलिटिकली आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं यहाँ पर फिट इन होने के लिए। तो उन सब कामों में ना ज़िंदगी पीछे रह जाती है कि वॉट आर यू फीलिंग। वही मतलब मेन बात है कि आप भूल जाते हो कि हु यू आर, क्योंकि इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है आगे बढ़ने का, कहीं पहुंचने का, और तो मुझे लगता है कि वो कहीं पीछे रह जाता है कि हु यू आर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत खाली कर देता है, कि इमोशनली आप नम फील करते हो। जो आप इंसान हुआ करते थे, आपको लगता है कि वो चेंज हो गया है, वो बदल हो गया, बदल गए। तो आपके आसपास के लोग ये कहते हैं कि आप बदल चुके हो, बॉम्बे जाके बदल गए। मतलब ये बहुत ईजी है ना, ये कहावत होती है कि बॉम्बे जाके बदल गए, मतलब बॉम्बे को ऐसा टैग कर दिया जाता है। पर वो जर्नी होती है, और मुझे लगता है कि वो भी ख़त्म हो जाती है एक टाइम पर। आपकी अवेयरनेस आती है कि ये करेक्ट नहीं है, तो देन आप दोबारा वो नमनेस को दूर करने में, या जो इमोशनलेस या आप एम्प्टी फील हो रहे हैं उसको दूर कर सकते हो। पर इट्स इट टेक्स अ टाइम। करेक्ट, एंड दैट टाइम हैज़ कम फॉर यू विच यू रिकग्नाइज एवरी एलिमेंट ऑफ इट। एंड बिफोर आई लेट यू गो, आई हैव टू आस्क यू कि टाइम की बात करें तो आपके टाइम में अभी आप क्या, कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो? मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली तुम्बाड़ 2-3, और तुम्बाड़ से भी एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारा संतोष लक्ष्मी। तो इट्स अ पीरियड फिल्म जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो बहुत बड़ी फिल्म है, तो ये है। और उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट हमारा कपाल फोड़, जो कि चंबल में सेट है, कि एक डाकू की कहानी है, जो पहले डाकू हुआ करता था, अभी वो मतलब लोगों को साइट विजिट करवाता है, तो वैसा हो गया, तो उसकी लाइफ वैसी हो गई है। तो उसके अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप की कहानी है। और एक और हम बहुत ही पागलपन की फिल्म बना रहे हैं फॉर्मूला के मुताबिक। तो इट्स लाइक इट्स अ मैड कॉमेडी, कि जो इंडियन ट्रॉप्स हैं सारे यूज़ किए हैं उसमें, कि जुड़वा भाई ये वो। तो बहुत सारा कुछ कर रहे हैं हम, 4-5 फिल्में बना रहे हैं।
वाह, दैट्स अ लवली लाइनअप आई मस्ट से, एंड इट वाज लवली चैटिंग विद यू सोहम. मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हमने काफ़ी बार बात किया, बट दिस वन वाज मोर इन अ डीप कॉन्वर्सेशन ऑफ ट्राइंग टू नो यू, योर वर्क एंड लाइफ आफ्टर दैट ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट, मोर बियॉन्ड सोशल मीडिया. लवली चैटिंग विद यू. थैंक यू सो मच फॉर लवली टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. आई एम सोहम शाह एंड यू आर वॉचिंग माई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑन जूम.